नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं बिहार वाला वालाजीवी यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस समायोजन को लेके दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है लगातार रेलवे अप्रेंटिस को परमानेंट नौकरी यानी जीएम कोटा से बहाल करने को लेके बार बार लगातार संघर्षें चल रही है और सभी जो लीडर हैं या फिर जो हमारे महामंत्री हैं शिव मिश्रा जी वो भी लगे हुए तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और कल एक वीडियो भी जारी हुआ था जो चैनल पर हम दिए तो ये सब के बारे में आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में तो चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को यहाँ पे बगल में दिख रहा होगा तो आपको बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो दोस्तों अभी आपसे हम बात करते हैं कि जैसा आप लोग को पता है कि कल एक नोटिस आया था और एक अपडेट निकल के आया था कि सोलह दिसंबर को यानी कि 16 तारीख को आ, ए, मीटिंग हुआ था सभी जो लीडर हैं अप्रेंटिस के लीडर हैं उनका हुआ था महामंत्री एआईआरएफ के महामंत्री जो हैं शिवगोपाल मिश्रा जी माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी के साथ कि आखिर जो रेल अप्रेंटिस का समायोजन को लेकर इतना देर जो हो रहा है आखिर क्यों हो रहा है अगर अगर स्पेशली अगर रेल अप्रेंटिस को ले अगर बात करना है तो शिवगोपाल मिश्रा जी से यही कहना था उन लोगों को कि अगर उनसे बात करना है तो मान माननीय जो रेल मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव जी से उनसे बात हुआ बात होना चाहिए जल्द से जल्द ताकि क्लियर हो सके तो उसी के बारे में अभी हम ले चलते हैं अब वीडियो के साथ बने रहें स्किप मत करिएगा दोस्तों सोलह दिसंबर को सोलह दिसंबर को जो अप्रेंटिस के लीडर हैं सभी वो हमारे महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा जी के साथ में बैठक किए और ये जो बैठक है मीटिंग जो है ये लगातार होते रहती है तो सभी अप्रेंटिस भाई के मन में हमेशा सवाल यही आता है कि ये सब बैठक तो हमेशा होते रहता है लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है बिल्कुल सी जाहिर सी बात है कि निष्कर्ष निकल के नहीं आता है तो परेशान होना कोई गलत बात नहीं है और बहुत समय बीत चुका है आठ से दस साल हो चुका है समय आठ साल के आसपास हो चुका है ज़्यादा ही हो गया है लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो लड़के परेशान होना कोई जाहिर सी बात है लेकिन दोस्तों आप सभी अप्रेंटिस साथी से यही कहेंगे कि परेशान नहीं होना है आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है इसमें सभी लीडर हैं जिसमें कि आशीष मिश्रा जी हैं और भरत परदेशी जी हैं ये सभी जो अप्रेंटिस के लीडर हैं महा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंदन पासवान जी हैं वो सभी ए के जो महामंत्री हैं माननीय शिव मिश्रा जी जो कि रेल अप्रेंटिस को लेकर भी लगातार लगे हुए हैं ऐसा नहीं है तो वो भी साथ में है लेकिन हाँ ये है कि निष्कर्ष नहीं निकल के आ रहा है तो जाहिर से बात है परेशान होना कोई गलत बात नहीं है और कोई भी रहेगा इस जगह पे तो परेशान हो जाएगा क्योंकि सब्र का एक सीमा होता है लेकिन आप लोग से यही कहेंगे कि देखिए ये लगातार 16 दिसंबर की बात है जो मीटिंग किए हैं और उन्होंने क्या कहा इस चीज़ को लेके हम अभी आपको आपसे हम बात करते हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी जोनल के लीडर थे सभी को उपलब्ध थे और उन्होंने बैठक किया और उनसे यही कहे कि अगर आ, को, कोई बात है अगर आप उनसे अगर कहा कि अगर बात आप कर सकते हैं रेल मंत्री से तो स्पेशली रेल अप्रेंटिस का मुद्दा रखिए जैसे हम ये बार बार लगातार हम भी हमेशा वीडियो में कहते हैं कि जैसे अगर कोई मुद्दा उठता है तो उसमें होता है क्या है कि रेल अप्रेंटिस को लेके मुद्दा स्पेशली नहीं रखाता है पाँच मुद्दा रहता है साथ में उसके बाद मुद्दा उठता है तो इस वजह से लेट हो जाता है और कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ तो दोस्तों जो क्या बातें हुई नहीं हुई इसके बारे में हम, हम बात करते हैं और क्या हुआ निकल के आया क्या ये सब बात हम करते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सूचना निकल के आया है उसमें देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है ये चीज़ को आपको हम दिखाते हैं तो दोस्तों अभी देखिए इसमें हम पढ़ के आपको सुनाते हैं देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि सूचना यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है देश के सभी रेल अप्रेंटिस साथियों को सूचित किया जाता है बहुत जगह ये नोटिस सबके बीच चला भी गया वीडियो भी आया था तो वीडियो हम आपका आई बटन पे दे देंगे अगर अभी आप, आप नहीं देखे हुए हैं तो देख लीजिएगा उसमें देखिएगा चंदन पासवान जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो आ, अप्रेंटिस के उन्होंने क्या कहा आ, कि जो अगर बात जितना भी है सहमति बनी है लेकिन अगर इस चीज़ को लेके अगर क्लियर नहीं होता है तो हम आगे चल के एक बड़ा कदम भी उठाएंगे तो देखिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं उसके बाद आपको बात करते हैं कि देखिए सभी अप्रेंटिस को सूचित किया जाता है कि हमारे समायोजन के सिलसिले में एरा के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी ए के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा जी से मिलने दिल्ली गए हैं जिसमें कि सोलह बारह की बात कहा जा रहा है सोलह दिसंबर को मिश्रा जी के ऑफिस में हमारे समायोजन के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई जिसमें कि अभी आपको तस्वीर हम दिखाएं भी जिसमें मिश्रा जी ने कहा कि हमारे इशू पर रेलवे बोर्ड सीआरबी और डी की तरफ से सकारात्मक प्रक्रिया है तो ये बात लगातार आ रही है कि उनके तरफ से सकारात्मक पर, मतलब प्रतिक्रिया है कि हाँ भाई रेल अप्रेंटिस का रेल अप्रेंटिस को जल्द से जल्द उस पर बहाल करने को लेके सोचा जाए एक कमेटी बनाया जाए एक सिस्टम बनाया जाए कि किसके तहत उसे बहाल किया जाएगा परमानेंट किया जाएगा क्योंकि वो टोटली स्किल्ड है और उनको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह से ट्रेंड है उनका उनका कोई मतलब ही नहीं बस उनका डायरेक्ट एक नॉर्मली मेडिकल ले उन्हें डायरेक्ट उनका ज्वाइनिंग दिया जाए तो ये बात है तो अभी हम आपको सुनाते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि सकारात्मक प्रक्रिया बाकी जल्द ही दिसंबर में सीआरबी और रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के साथ मिलकर एक मीटिंग करके हमारे समायोजन का रास्ता निकालेंगे यानी कि देखिए अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे दस दिन बचा हुआ है दिसंबर में अब सिर्फ दस दिन बचा हुआ है और दस से बारह दिन बचा हुआ है उसमें आ, बोल रहे हैं कि हम दिसंबर में बात करेंगे सीआरबी और रेल मंत्री के साथ बाद एक बैठक करेंगे और जो रेल अप्रेंटिस का समायोजन का मैटर रुका हुआ है उसका सॉल्यूशन कराएंगे तो दोस्तों ये तो बात यहाँ पे ये कह रहे हैं शिव गोपाल मिश्रा जी महामंत्री ने फिर कहा अगर दिसंबर में कोई समाधान का रास्ता नहीं निकलता है उनका कहना है कि अगर दिसंबर में समाधान का रास्ता नहीं निकलता है तो ए आई आर एफ फेडरेशन और एरा मिलकर यानी कि ए आई आर एफ के जो महामंत्री हैं शिव मिश्रा जी भी कह रहे हैं और जो एरा का जो सभी टीम है जो पदाधिकारीगण है वो सभी मिलकर जनवरी में केंद्र सरकार व रेल प्रशासन के खिलाफ पूरी देश में बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे देखिए यहाँ आंदोलन को लेकर जैसा कि आप लोग को पता है कि 25 वाला जो 25 दिसंबर वाला जो चल रहा था तो हम बता दिए कि वो फेक है और जाहिर सी बात है वो फेक है 25 दिसंबर वाला उस पर हम वीडियो भी बना दिए तो आप लोग को उस पर एकदम भरोसा नहीं करना है लेकिन यहाँ पर देखिए जो ए के जो लीडर हैं और जो हमारे महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी और जो जो ए के यानी अप्रेंटिस के लीडर उन सभी का यही कहना है कि अगर दिसंबर में इस चीज़ को लेकर कुछ क्लियर नहीं होता तो जनवरी में केंद्र सरकार और रेल प्रशासन के ख़िलाफ़ हम आंदोलन काम करने का काम करेंगे रेल अप्रेंटिस को उनका हक हाँ दिलाएंगे। ऐसे में सभी साथियों एरा से गुजारिश है कि ये समय जो बहुत नाजुक है कुछ दिन और धैर्य बना के रखें खासकर सोशल मीडिया पर कोई भी साथी गलत कमेंट कर करने से बचे। हम हार नहीं मानेंगे हम अपना हल जो है हम हर हाल में जल्द कामयाब होंगे ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए जो पदाधिकारी गण थे जो भी थे लीडर लोग अप्रेंटिस के हैं वो सभी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है और आप देख सकते हैं तो दोस्तों आप देखिए कि, कि कितना ये चीज़ क्लियर रूप से कहा गया कि अगर कोई दिसंबर को लेके अगर कुछ नहीं निकलता है दस से बारह दिन है तो आप समझ लीजिए कि दस दिन का समय है ज्यादा दिन का है समय नहीं अगर यहाँ तक कोई कुछ क्लियर कु� नहीं होता है तो जनवरी यानी दो का जनवरी में इन इन लोगों का यही कहना है कि हम बड़ा रुख यानी आंदोलन को लेकर रुख करेंगे अभी कोई स्पेशली डेट नहीं निकाले लेकिन ये बात उन्होंने कहा है सभी मिलकर तो जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं उनसे यही कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा और धैर्य बना के रखें लेकिन एक बात है कि 2022 में जो है ये मसला पे कुछ ना कुछ विचार किया जा सकता है और उम्मीद है कि ये विचार जल्द से जल्द हो तो दोस्तों अभी आप लोग ने नोटिस जो आया हुआ था जो मीटिंग हुआ था सोलह तारीख को सोलह दिसंबर को उसको लेके जो भी बात निकल के आया वो आप लोग के बीच हम पढ़ के सुनाए तो दोस्तों इससे तो जाहिर होता है कि आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने साफ़ तौर पे ये कहा कि अगर दिसंबर यानी दस दिन का आप समय बचा हुआ है अगर इसमें कुछ बातें निकल के आती है या फिर वो सीआरबी और रेल मंत्री के साथ बैठक करते हैं तो ठीक है और मसला निकलता है रेल अप्रेंटिस समायोजन को लेके तो ठीक है नहीं तो हम लोग जो एआईआरएफ के हैं लीडर और जो एरा के लीडर हैं यानी अप्रेंटिस के लीडर हैं वो सभी मिलकर एक आंदोलन बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे और उसका कोई डेट अभी फिक्स नहीं है लेकिन उनका ये कहना था कि हम ये काम करेंगे तो ये आप जान लीजिए कि कुछ अगर 10 दिन में ये 2021 के दिसंबर तक तो कुछ हो जाता है तो ठीक है ऐसे अब देखिए यही उम्मीद करते हैं कि कुछ जल्द से जल्द फैसला हो लेकिन 2022 के जनवरी में ज़रूर कुछ ना कुछ ये लोग सभी मिल करेंगे तो जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं उन सभी से हम यही कहेंगे कि आपको एक जुटता तो बनाए रखना होगा क्योंकि एक जुटता बनाने से ही काम बनेगा और रही बात गलत तरह का कमेंट जो होता है क्योंकि देखिए बात ये है कि समय बहुत ज़्यादा बीत गया तो जाहिर सी बात है निगेटिव थाउट आता है लेकिन एक बार जान लीजिए कि ये लोग भी बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं ऐसा नहीं है और ये लोग लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द सॉल्यूशन है क्योंकि अप्रेंटिससे में से ही एक हैं ये लोग जितने भी लीडर हैं ये भी अप्रेंटिस का ही ट्रेनिंग किए हुए हैं और इन लोगों का भी एज बहुत हो गया ये लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकले ताकि ये भी रेलवे में सेवा दे सके तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा और सब्र कीजिए देखिए हो सकता है कि दिसंबर तक लास्ट दिसंबर मतलब इसी दिसंबर में हो सकता है कुछ अच्छा निकले नहीं तो जनवरी 2022 में कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे ये लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कुछ अच्छा निकले और आप लोग बस एकता में रहें और यही अपडेट देना था अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए वीडियो शेयर कीजिए जैसे ही कोई अपडेट आता है या कोई भी चीज़ आता है तो उसको हम आप लोग के बीच रखेंगे तो इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और दोस्तों जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो उनसे निवेदन है सब्सक्राइब करिए और बेलाइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट्स के साथ तब तक ले जय हिंद वंदे मातम